उपस्थित आदरणीय विद्वज्जन सज्जनों देवियों विद्यार्थियों, पुस्तक की भूमिका लिखी गई जब वाजपेयी साहब ने जब ये पुस्तक लिखी तो मुझसे अनुरोध किया कि मैं इसके बारे में कुछ लिखूं, तो मैंने कहा कि देखिए आर्य समाज के बारे में वैसे तो जो कुछ सतही ज्ञान जो था या और कुछ चीज़ें थी वो मेरे पास थीं। मेरी माताजी डीएवी कॉलेज देहरादून की पढ़ी हुई थी आज़ादी से पहले के ज़माने में, पिताजी भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ज़माने में डीएवी कॉलेज कानपुर के छात्र रहे, तो वो जो माता और पिता से ये मालूम था कि डीएवी कॉलेज की संस्था से उन लोगों का लगाव था और आर्य समाज के बारे में वो लोग बताया करते थे। दूसरा चतुर्वेदी जी श्रीना भैया साहब जो हैं, हम लोग उनको इज्जत से भैया साहब कहते थे, 1971 में जब पाकिस्तान का हमला हुआ तो यहाँ पर शहर में ब्लैकआउट था, उन दिनों हमारी माता जी का एक ऑपरेशन हुआ था क्वीन मैरी में, तो मैं खुर्शेद बाग में रहता था। अब शाम के समय हमारे मित्र थे प्रदीप चतुर्वेदी निक्के जी, तो उनके यहाँ हम लोग भैया साहब के पास मिलने जाते थे। वो एक उस पर एक तखत पे अपने रजाई ओढ़े हुए छोटी सी लीठी रहती थी, तो हम लोग उनके चरणों में बैठ के और उनसे बड़ी ज्ञान की बातें सुनते थे। रात के जब 10-10:30 बज जाता था तो उनका सोने का टाइम हो जाता था, हम लोग आ जाते थे। तो ये वांग्मय जो निधि जो शुरू हुआ, तो मैं ये सोचता हूँ कि जब उस 71 के समय में जब इतनी ज्ञान की बातें हम लोग भैया साहब के चरणों में बैठ के सुनते थे और जो उनके पास अथाह भंडार था अंग्रेजी ज़माने का भी, अपने स्वराज का भी, बात का भी, और कैसे जो है हमारी सामाजिक स्थितियाँ बदली, ये भी उन्होंने बताया कि देखिए कैसे हम लोग एक सामंतवादी क्लास से कैसे हम लोग शैक्षिक मिडिल क्लास एजुकेटेड मिडिल क्लास हम लोग कैसे लखनऊ में आया, कैसे इलाहाबाद में आया, बनारस में आया, अंग्रेजी शिक्षा से हम लोगों को क्या मिला। एक हमारे यहाँ के नया एक क्लास तैयार हो गया जिसको हम लोग कहते हैं इंटेलेक्चुअल जो है मिडिल क्लास हमारा, वही इस शहर की सबसे बड़ी विशेषता थी जो नवाबी शासन के बाद में आई। यहाँ भी इलाहाबाद, बनारस, कलकत्ता, मद्रास, इन सब शहरों में एजुकेटेड मिडिल क्लास का आना, इसी जो भूमि थी उर्वरा भूमि में आर्य समाज आता है और आर्य समाज के जो बीज फैलाए गए तो उनका अच्छा जन्म हुआ और अच्छा जो है फले फूले। तो मेरी जो है बातचीत हुई, फिर मैंने देखा एक भ्रांति मुझे भी थी कि सनातन धर्म और आर्य समाज में कुछ चीज़ों में क्लैश है, या कुछ इसलिए मैंने जो चूँकि एक सनातन धर्मी परिवार में पैदा होते हुए पुराने उन बातों को सोचते हुए तो मेरे दिमाग में रहता था, तो मैंने वाजपेयी जी से कहा कि मैंने देखिए मेरी भ्रांति है इसके बारे में क्या है, तो मेरे ही उनसे 2-3 बार बात हुई। फिर मैंने और अध्ययन किया, सत्यार्थ प्रकाश में पहले पढ़ चुका था, फिर बाद में मैंने और अध्ययन के बाद मैंने देखा कि नहीं, जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने देखी कि सनातन धर्म और आर्य समाज में कोई क्लैश नहीं है बिल्कुल, बल्कि जो है आज के परिवेश में आज के वातावरण में हम लोग सभी लोग धीरे धीरे आर्य समाजी हो रहे हैं। जैसे मृत्यु को ले लीजिए, मृत्यु के बाद जो पहले 13 दिन का कर्मकांड था और सब चीज़ें थी, हम सभी ने उसको चाहे वो वेस्ट से पंजाब से शुरू हुआ दिल्ली आया, अब हम लोग भी उसको संक्षिप्त करके उनको करने लगे हैं। या जो विवाह में होता है कि सारे पंडित जी बहुत लंबा समय हो रहा है क्या है, तो सभी ने मैं देखता हूँ कि 80-90% आर्य समाजी ढंग से ही लोग विवाह करने लगे, और हमारी जो नई जनरेशन है, जो हमारे बच्चे अपने भी हैं, वो भी कहते हैं कि ये अब जो है आर्य समाजी पद्धति किया जाए, वैदिक पद्धति किया जाए। मैं जो कहूँगा तो पुरानी सामाजिक कुरीतियों को तोड़ते हुए और नए जो कि आजकल के परिवेश में आज के वातावरण में जो चीज़ सुसंगत है, रेलिवेंट है, वो हम लोगों ने इसको इसमें अपना लिया। तो इसके बाद जो है जब मुझे मैंने देखा कि लखनऊ तो ये तो हमारे यहाँ का ऐसा पौधा लगाया गया कि जिसकी कलम से लाहौर में पंजाब में और जगहों में, यानी कलम यहाँ से ले ली गई उस पेड़ की और वहाँ पे नए नए पेड़ लगाए गए और नया जो है फले फूले सब जगह, चाहे वो लाहौर हो, देहरादून हो, पश्चिम उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, सभी जगह या पूर्वी भारत में, केंद्रीय भारत में सब जगह आर्य समाज की संस्थाएँ सब फली फूली और सभी क्षेत्रों में काम हुआ। उसके बाद जो है वो अगला जो है वो धार्मिक जो हमारी वैदिक साहित्य को जो है फिर इस रूप में लाना और हम लोगों को ये बताना कि देखिए जो ऋषि मुनि थे वैदिक काल में क्या हम लोग थे, आगे क्या हुआ, कुरीति, पाखंड, पोंगापंथी के उसमें हम लोग पड़ गए, वो उन चीज़ों से भी जो है वो हम लोगों को मुक्ति मिली और नया सोचने का एक नया हम लोगों को ढंग, एक नज़रिया हम लोगों को मिला। इस किताब में हमारे वाजपेयी साहब ने बड़ी मेहनत से, बड़े कठोर परिश्रम से हम लोगों को लखनऊ के आर्य समाज की स्थापना,
समन्वय, सामाजिक समन्वय, शिक्षा और तमाम संस्थाओं के विकास, उन सबका स्थापना, ये सब के बारे में इसने प्रकाश डाला है। जैसा कि मैं खुद समझता हूँ, क्योंकि मैं तो अपने को एक अभी भी विद्यार्थी समझता हूँ, तिरुवल्लुवर की मुझे जो है जो एक बात बड़ी अच्छी लगी तिरुकुरल में है कि अगर व्यक्ति को, विद्यार्थी को अगर 8-9 मन भूसा छानना पड़े, अगर उसमें 10 कण भी चावल के मिले, तो एक विद्यार्थी को ऐसा करना चाहिए 8-10 मन भूसा छानते रहिए, अगर 8-10 कण चावल के मिल जाएँ, ज्ञान के कण मिल जाएँ, तो उनको एकत्रित करना चाहिए। तो ये बात मुझे तिरुकुरल में इन्हें बहुत ही, और आज भी मेरा प्रयास रहता है, मैं कहीं भी जाता हूँ तो मैं लोगों से बात करता हूँ, पूछता हूँ, चाहे वो आर्यसमाज हो, जैसे अभी आपने जिक्र किया कि उत्तर भारत में केशव चंद सेन, ब्रह्म समाज, राममोहन रॉय, मैं जब साउथ गया तो वहाँ पे है कि हैं के वीरेशुलिंगम, हम लोगों ने बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन आंध्र में एक शहर है राजामुंद्री में उनका जन्म हुआ और उनके कार्य क्षेत्र उनका मद्रास और बेंगलोर में रहा। विधवा विवाह, सामाजिक कुरीतियों को दक्षिण भारत में दूर करने का सबसे बड़ा काम जो है वीरेशुलिंगम साहब ने किया, और वही जो है, वही जो दक्षिण भारत में, जो उत्तर भारत में हमारे यहाँ, या जो जो सामाजिक जो परिवर्तन आए वो हमारे महर्षि दयानंद जी कर चुके थे, और उसी के समकालीन में जो दक्षिण भारत में कार्रवाई, ये सब कार्य हो चुके थे। बम्बई प्रेसिडेंसी में चूँकि सनातन धर्म का प्रचार बहुत ज़्यादा था, यहाँ तक था कि पंडित रमाबाई डॉक्टरी करके, MBBS करके अमेरिका से आती हैं, ज्योतिबा फुले शिक्षा का प्रसार करती हैं, लेकिन पूना का जो स्कूल था, पूना का जो कट्टर जो स्कूल था, जो ब्राह्मणवादी स्कूल था पूना का, तो उन्होंने पंडित रमाबाई को, उनकी डॉक्टरी और उनके नुस्खों को स्वीकार ही नहीं किया, और उनको बाद में कोल्हापुर में शाह जी के जो जिनकी मूर्तियां लगी हुई हैं, जो उन्होंने उनको एक उनके लिए जनाना अस्पताल खोला और रमाबाई को वहाँ पे मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज वहाँ बनाया। तो ये तो हमारा उस वक्त का समाज था। तो उसको, उस सब के बाद जो है, जो स्वामी दयानंद जी का आना, महर्षि दयानंद जी का आना, उसके बाद आर्य समाज की स्थापना और जो परिवर्तन आए, उन सब के लिए हम जो लोग हैं, हमारे राज्य की जनरेशन, हम लोग उस सब के बहुत आभारी हैं। और इस पुस्तक में जो सबका समावेश किया है, गागर में सागर भरा गया है, ये मैं वाजपेयी जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ, और प्रकाशकों को, और हमारी जो वांग्मय निधि है, और आप सब लेखकों को जिन्होंने इस सब में कंट्रीब्यूट करते रहते हैं। मैं खुद भी इससे लाभान्वित होता हूँ, मैंने अपने लाइब्रेरी में एक शेल्फ इसके लिए मुकर्रर कर दिया है, अभी 40वीं किताब उसमें लगा दूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे बुलाने के लिए और मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी